हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अपने घर में सब स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे वीडियो है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ड्रैगन फ्रूट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग खाते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट जो है, ड्रैगन फ्रूट का प्लांट भी बहुत कम मिलता है नर्सरियों में। तो मैंने ड्रैगन फ्रूट ख़रीदा था, तो उसके जो सीड्स मैंने कलर करके रख लिए थे। और शीट को लगाने का तरीका जो है वो क्या है कि शीट को आप सुखा लीजिए। अगर आप वॉश करके सुखाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, वैसे भी सुखा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुखा के ही फिर शीट को ग्रो करते हैं। तो मैंने थोड़े दिन पहले ड्रैगन फ्रूट खाया था, मैंने अपलोड भी किया था आपको। तो मैंने शीट को ऐसे ही देखिए स्पून में ऐसे कलर करके रख लिया था और ये सूख गया है लगभग। अब मैं इसको आज जो है छोटे से ये जो यूज एंड थ्रो बॉक्स है इसमें ग्रो करके आपको दिखाऊँगी और इसकी अपडेट देती रहूँगी जैसे जैसे ग्रो होगा ये। तो इसमें कुछ करना नहीं है। अच्छा, इसके शीट्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत बड़े गमले में डाल देंगे तो गल जाएंगे शीट, पता ही नहीं चलता है। तो इसको ना आप इंडिविजुअल एक छोटे से पॉट में ही ग्रो करने की कोशिश कीजिए, जिससे ये ग्रो हो तो पता चले कि हाँ ये ड्रैगन फ्रूट है। क्योंकि अगर हम किसी गमले के नीचे ऐसे गाड़ देते हैं या लगा देते हैं ना, तो उसमें खो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो आप देखिए ऐसे यूज इन थ्रू बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है ट्रांसपेरेंट। अब मैं इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम किसी भी पॉट में जब जब भी शीट को ग्रो करते हैं तो उसमें हम होल वगैरह करते हैं। लेकिन लकली क्या है कि ये देखिए इसमें ऑलरेडी छेद है ना, होल है। तो चाहे तो आप इसमें ऐसे डाल दीजिए एज इट इज़, नहीं तो आप इसका जो ये कट करके ये नीचे लगा दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा देर में जो बहुत बड़े बड़े छेद है ना, ये इसका जो है ये बहुत ज़्यादा में पानी निकलेगा, ड्रेन होगा। तो मैं तो खैर अभी इसको क्या है गमले के ऊपर इसमें अलग से शीट जरूर लगा दूंगी, लेकिन इसको गमले के ऊपर रखूंगी। तो मैंने सोचा होगा कि इसमें मैं एज इट इज़ ऐसे ही लगा दूंगी। तो देखिए सबसे पहले ये पॉट लिया, इसमें अगर आपके पास छेद नहीं है, होल नहीं है, तो आप होल कर लीजिए। और मेरे में तो खैर होल है तो मैंने इसमें मिर्ची डाली। ये देखिए ठीक है। अच्छा ये मिट्टी देखिए, इसको थोड़ा सा आप इसे हटा दीजिए, भुरभुरी मिट्टी डालिएगा हाँ, क्योंकि सीड बहुत छोटे होते हैं। ड्रैगन फ्रूट के सीड जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। अब ये देखिए शीड हुआ, अब ये मैंने शीड लिए, इसको मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। जैसे स्ट्रॉबेरी के शीड्स ग्रो किए जाते हैं ना, सेम वैसे ही प्रोसेस है इसका। ये देखिए मैंने इसमें शीड डाल दिए, थोड़ी सी तबीयत दिखा रहे देखिए शीट ग्रो ये डाले ना, मैंने आपको दिख रहा हूँ पास, देखिए शीट डाल दिए, सारे शीट डाल दिए जो सारे स्पून में थे सब डाल दिए हैं ऐसे करके। इकट्ठे मत डालिएगा, थोड़ा अलग अलग करके डालिए जिससे हर जगह ग्रो हो। और इसमें कुछ शीट गल जाएंगे, कुछ फंगस लग जाएगा, कुछ होगा, कुछ तो ग्रो होगा लेकिन, है ना। तो इसीलिए हम इतने सारे शीट्स डालते हैं। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी पर डालिएगा, क्योंकि बहुत छोटे शीट हैं तो वो दब जाएंगे, फिर ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हल्की सी हाँ से देखिए ऐसे मिट्टी डाल दीजिएगा, बस हो गया। अब इसमें पानी डाल दीजिए, डाल सीखे मैं डालने जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ।